यही वड्डा रोड़ा है। सतगुर फरमाउंदे ने गुरबाणी गुरु विच विचार मारे तरे तारे उल्ट जो नाए, ते किवें मरनगे विचार। हुण जदों बाणी पढ़दे साडा मन बाहर चलिया जांदा है, असीं अपनी आवाज़ नूं सुणीए। सतगुर फरमाउंदे ने गुरबाणी गुरु विच धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। धुन कहिंदे ने आवाज़ नूं, आवाज़ दे विच ध्यान दिओ फिर जान जाओगे गुरमुख कथ कहानी। ये कथ कहानी समझ आजूगी कि परमात्मा तो किवें विछड़िया, तो मिलाप किवें करिए। सुरती का खेड है, ध्यान का खेड है। हुण दो गुरमुख गल्लां करदे है, गल्लां करदिआं करदिआं एक गुरमुख कुछ सोचण लग जांदा है। वह कहिंदा दुबारा गल करो, मेरा ध्यान किते होर चलिया गया। ये खेड ही ध्यान दा है। जदों आपां बाणी पढ़नी है, सहज विच पढ़नी है, तो बाणी आप दी बोली नूं आप सुनो। साडे मन की ड्यूटी ला दो कि बाणी सुने। जिवें हुण तुसीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तुसीं ध्यान करे लै जाओ, मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे। बाणी पढ़दे हैं अपनी आवाज़ नूं आप सुनो, मन बाहर नहीं जाएगा। जे मन बाहर ना गया तो यह निर्गुण के खजाने साडे सवास जमा हो जाएंगे। सतगुर फरमाउंदे ने तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्नीए पाईए। तन साडा शरीर है, मन साडे अंदर वसदा है। धन क्या सवासा रूपी धन जो गिण के मिले, गिण घाले सब दिवसास ना बढ़न घटन तिल सास। ये जमा करवाउणी है निर्गुण के खजाने। जदों जमा होण लग गए, बगैर विचारां तो बाणी पढ़ी, बगैर विचारां तो सिमरन कीता, कोई ख्याल ना आया, तो फिर की होगा? एक दिन साडे अंदर नाम प्रगट हो जूगा जिन्हों असीं सुन लांगे। फिर कहजी आवाज़ होगी नाम की? पहला असीं जमा करावांगे सवास, तो मालक तोल लैंदा भी हुण नाम दे बराबर तुल गए। आपे कंडा तोल तरा जी, आपे तोलन हारा। जिदन तुल गया साडे अंदर नाम प्रगट हो जाएगा। गुरमुख प्यारे, फिर नाम की आवाज़ किस तरह की है? मालक दसदे ने, मस्तक पद्म दुआले मनी, माहे निरंजन त्रै भवन धनी, पंच शब्द नरवैल वाजे, ढोलके चवर संख कण गज। ढोलके चवर संख कण ते गजन वर्गिया आवाज़ा साढ़े अंदर पैदा हो जाएगियाँ, असी सुन लाँगे। ये सुरती का खेड है, सुरती ना आपां अंदर जाना है। बड़ी कृपा की है गुरमुखा ने। बाबा जी ने कल मेरी गल हुई सी, एक घंटा मैं समा मिलना सी, घटदा घटदा हुण लास्ट आके 15 मिनट रह गया। चलो खैर, बड़ी कृपा फिर भी गुरु रूप संगत के दर्शन करने का मौका मिले है। गुरु महाराज कृपा कर, इस तरह ही संगत के दर्शन होंगे रहन। यही कथ कहानी वास्ते गुरमुख प्यारियों घट्टो घट एक घंटा ज सवा डेढ़ दो घंटे चाहिए होंगे है, क्योंकि 15 मिनट तक गल ही शुरू होंगी है मसा। ये बड़ा लंबा खेड है, सुरती का खेड है। कितने प्रकाश हों, सुख मनाड़ी कितने खुलती है, कितने त्रिवैणी है, कितने अगे आप चलते हैं, कितने कुंडली मारी हुई है, खट चक्कर किड़े है। बहुत खेड इंट्रस्टड है, सारा कुछ गुरबाणी दिता होया है। सो गुरमुख प्यारियों, दास गुरुद्वारा प्रभ मिलने का चाहो, ब्रह्म ज्ञान यूनिवर्सिटी रौली रोड मोगा तो आया है। वैसे मैं लुधियाने के रहने वाला, आर्मी चो कैप्टन रिटायर हाँ, सिर्फ कथ कथा की सेवा करदा। कोई साड़ी सेवा नहीं, कुछ नहीं लेंदे। जे किसी संगत मिल जाए बस इन्ना ही लाहा है। मैं अपने आप को बड़भागी समझदा, एक अज सच की स्टेज के उत्ते जिथे मेरे गुरमुखा का जन्म स्थान है उत्थे बैठन का मौका मिलया, तो रब रूहां के दर्शन करने का मौका मिलया है। मैं धनवादी हाँ। इन्नी विचार करदे हैं, कोई ऐसा शब्द क्या गया हो, गुरु ते गुरु दी संगत बख्शन योग है। बख्श लेना जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरपाओ दी बख्शिश कर रहे हैं भाई बिक्रम देव सिंह जी। बोले सो निहाल। बहुत ही प्यारे विचार जो कि कैप्टन साहब दस रहे सन। इस तो अगे दी जो विचार आप जी नाल सांझी करनी चाहते सन कैप्टन साहब, जो सुरत शब्द मार्ग फिर अनहद शब्द फिर त्रिवैणी की गल की है, इन्होंने वो सारे जो विचार इन्होंने हुणे ही जो गल करके गए हैं अपने जिन्हां महापुरखां दे आपां जन्म दिहाड़ा मना रहे हाँ प्रकाश दिन, वो पिछे एक किताब मिल रही है सुरत शब्द मार्ग। उस दे विच रतवाड़ा साहब वाले महापुरखां ने इन्हां गल्लां दी जो जानकारी है जो कैप्टन साहब हुणे ही कर रहे सन, वो बहुत ही डिटेल दे विच पिछे एक किताब मिल रही है। जिस दे कोल वो किताब नहीं है, जरूर जांदे जांदे वो लैके जायो, जिसका नाम है सुरत शब्द मार्ग। माता जीतो जी नू उपदेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कीता सी, जो नाम दा उपदेश सी,
ते सुरत नूं शब्द नाल किवें जोड़ना वह आनंदपुर साहब विखे कीता। महापुरखां ने 21 घंटे लगातार सत दीवाना दे विच बहुत ही प्यारी पुस्तक जो बाद विच तैयार हुई वह पिछे पुस्तक मिल रही है। जिहड़े प्रेमी इस रस्ते दे पंधाऊ हन अते इस रस्ते दे उत्ते तुर रहे हन उन्हां दे चरणां च बेनती है कि वह सुरत शब्द मार्ग जरूर पिछों किताब पढ़न की कृपालता करो। आओ हुण 15 मिनट वास्ते गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर जो कि रतवाड़ा साहब विखे शोभित है उस दे बच्चे आप जी नूं कीर्तन कविता दे नाल निहाल करनगे 15 मिनट दे अंदर अंदर। सो बेनती है कि समय दे विच विच रह के बच्चियां दे जो टीचर साहबान हन उस दे विच रह के आप जी ने जो भी कविता है जां शब्द है वह 15 मिनट दे विच विच स्टेज तो जो इतों रिले करना है। आओ जो आले दुआले संगत फिर रही हैं जां लंगरां दे विच उन्हां दे चरणां च बेनती है कि पंडाल दे विच पहुँचने की कृपालता करो ता जो ये किन्नी सेवा इत्थे हुई है किन्ने दिन तो चल रही है। कोई इत्थे टेंट लाउण दी सेवा कर रहा है पिछे दुद्ध चल रहे हैं छबीलां चल रही हैं लंगर चल रहे हैं अनेक प्रकार दे इस दा सारे दा मंतव यही है कि साडे मनां दे विच ओ महापुरख जिन्हां ने सानू इत्थे इस धरती दे उत्ते आ के जो जीवन दान दिता प्रकाश साडी जिंदगी दे विच आया कुछ चानना आया है ओ उन्हां दी बदौलत आया है। ओ सारा मंतव यह है कि तुसी सारे इस पंडाल दे विच कत्तर हो के उन्हां दे ध्यान दे विच जा के पूरी पूरी हाजरी इत्थे लवाउणी है जो थोड़ा जिहा समां रह गया है 4 बजे तक दा। सो आपां उस दा पूरा पूरा लाहा प्राप्त करना है। आओ 15 मिनट वास्ते गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सैकंडरी स्कूल जो कि रतवाड़ा साहब विखे शोभित है परम पूज्य महापुरख सचखंड वासी महापुरखां ने अपने हस्त कमलां नाल इस दा उद्घाटन करके इस दा नाम जो रखिया अपनी रसना तो पवित्र रसना तो गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर अज ये सीनियर सैकंडरी स्कूल दे विच तब्दील हो चुकिया है। सो सारियां फैसिलिटियां जो अत आधुनिक अज दे युग विच चाहीदियां हन इस स्कूल दे विच मौजूद हन। ओ बच्चे आप जी नूं शब्द कीर्तन कविता द्वारा निहाल करनगे 15 मिनट दे अंदर अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरि जियो हरि जियो
जुगो जुगा टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी गोद का आनंद माण रही गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साह संगत जियो गज वज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब जी नू बाबा जी दे जन्म दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे। अज मैं हरकृष्ण कौर आप सब जी दे सन्मुख एक कविता पेश करन जा रही हाँ जिसका सिरलेख है पटने विच सी होया अवतार तेरा। हेमकुंट दे वासिया शहनशाह डाडी सिख सी होवे दीदार तेरा। बेटा लाडला सी तू परमात्मा दा उच्चा सुच्चा ते नेक किरदार तेरा। बेटा लाडला सी तू परमात्मा दा उच्चा सुच्चा ते नेक किरदार तेरा। दबे कुचले ते निर्बल लाचार दे लई रहंदा खुला सी सदा दरबार तेरा। ऊंच नीच ना धर्म ते जात देखी सबना नाल सी गुड़ा प्यार तेरा। जदों जबर ते जुलम ने अत चुकी जदों जबर ते जुलम ने अत चुकी उदों खड़किया खंडा दो धार तेरा। नत पौन लई पापी हत्यारियां नू नत पौन लई पापी हत्यारियां नू पटने विच सी होया अवतार तेरा। कलगी वालड़ा सी बाजा वालड़ा सी नीले घोड़े दा उशा सवार भी सी। गरीब निवाद सी मान निमाणियां दा गरीब निवाद सी मान निमाणियां दा करम योगी ओ यारां दा यार भी सी। मर्द अगमड़ा साहिबे कमाल सी ओ मर्द अगमड़ा साहिबे कमाल सी ओ दुष्ट दमन सी ओ क्रांतिकार भी सी। ओदी कलम सी तिखी तलवार नालों ओदी कलम सी तिखी तलवार नालों निकली जिदे चो चंडी दी वार भी सी। चढ़दे जोश ते जाहो जलाल आंदे चढ़दे जोश ते जाहो जलाल आंदे सजदे जिथे भी कवि दरबार तेरा। सारे कवियां दे तू सिरताज कविया पटने विच सी होया अवतार तेरा। हिंदू धर्म दी आबरू ढकण खातर हिंदू धर्म दी आबरू ढकण खातर पिता वार के चादर सी पौन वाला विच जंग दो पुत मरवा के ओ नीहा विच दो लाल चिंवान वाला। माता वार के पाने नु मन मिठा अकाल पुरख दा शुकर मनान वाला। सेज फुल्ला दी सौंप के पंथ नु ओ आसन कंडिया रोड़ा ते लौन वाला। बोधी तिलक जंजू हिंदू हिंद खातिर शहीदी पा गया सारा परिवार तेरा। बदला लैन लई दित्या कुर्बानियां दा पटने विच सी होया अवतार तेरा। कलगी वाले ने कहा ललकार सिखो करनी परख है सिरां दे दानियां दी। मेरी चंडी नू खून दी प्यास लगी मंगदी बली है चढ़दी जवानियां दी। भक्ति शक्ति ते अणख दा मेल करने तोड़न वास्ते हैंकड़ अभिमानियां दी। है कोई नितरे सीस नू करे पेटा रखनी नी है अज कुर्बानियां दी। पेटा सीस देके अमृत दात लेके होया खालसा त्यार बर त्यार तेरा। गिदड़ों शेर बनाउण लई बाल चिड़ियों पटने विच सी होया अवतार तेरा। गिदड़ों शेर बनाउण लई बाल चिड़ियों पटने विच सी होया अवतार तेरा। गुजी राख नू अमृत दे मार छटे पगदे होए अंग्यारियां नू जन्म दित्ता। लगते जिगर तू वार के चार अपने कई अजीत जुझारां नू जन्म दित्ता। जुझन सुरमे विच मैदान जेड़े ऐसे जान निसारां नू जन्म दित्ता। सीस तली ते धर के लन जेड़े ऐसे सिपाह सालारां नू जन्म दित्ता। लखां विच लुकाया नहीं लुक सकदा लखा विच लुकाया नहीं लुक सकदा। दसवें पातशाह सिंह सरदार तेरा पापी मारन दुष्ट संघारन दे लई पटने विच सी होया अवतार तेरा। रोशन किती होई तेरी उस शमा उते सरदे वेखिए कई परवानियां नू। कौम धर्म ते अणख लई जूझदे रहे हथी बन मौत दे गानियां नू। हस हस के चरखड़ी चढ़दियां नू आरे परखे तेरे मस्तानियां नू। खोपर रंबी नाल लुहौंदियां नू देगी उबलदे तेरे दीवानियां नू। बुट्टा सिखी दा सिंजिया खून पाके ताए होया चमन गुलजार तेरा।
सवा लख नाल कला लड़ाउण वाले पटने विच सी होया अवतार तेरा लखा कलमा ने लिखी है सिफत तेरी मेरी कलम भी लिखणो नहीं रुक सकदी चढ़दी कला विच रहेगी कौम तेरी ए नहीं रुक सकदी ए नहीं मुक सकदी कंडे दे बाटे चो अमृत दे शक्तियां दी वगदी रहेगी गंगा ए नहीं सुक सकदी गुरु ग्रंथ बाजो किसे होर अगे गर्दन कट जाऊ पर चुक नहीं सकदी बख्शे मान जो कदी नहीं मानिया नू किवें भुले अजो प्यार तेरा पंथ दर्दिया अमृत दे दातियाच पंथ दर्दिया अमृत दे दातियाच पटने विच सी होया अवतार तेरा भुला चुका लई खिमा दी जाचक हां अनजान बची समझ के माफ कर देना आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह चीर कर बैसो हरि जन प्यारे चीर कर बैसो हरि जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे दुष्ट दूत पर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਓ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ
साध संग के अंचल लावा विखम नदी जाए तरनी ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गाया जो प्रभु की अत प्यारी जुगो जुग अटल नाम बाणी दे जहाज कलजगी जीवानों अवजल संसार सागर तो तारण हारे सतगुरु तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी निकी गोदा आनंद मान रही सतगुरां दी साजी ते नवाजी हुई सत संगत जीओ सब तो पहला अज सचखंड वासी संत महाराज संत बाबा बरियाम सिंह जी जिन्हां दा अज पवित्र अवतार दिहाड़ा है जन्म दिहाड़ा है उसनों मुख रखते हुए यह समागम हर साल की तरह अज भी गुरु की संगतां वल्लों गुरु के प्यारियां वल्लों संत महाराज तो बाद इत्थों दे उत्तरा अधिकारी सेवादारां वल्लों ये समागम कराया जांदा है। सो आओ अज आपां इस समागम दे अंदर सब तो पहला गुरु की प्यारियां संगतां नूं साहब दे महाराज जी दे प्यारियां नूं संत महाराज संत बाबा बरियाम सिंह जी आंदे अवतार दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे। दूसरी गल क्या पढ़ी है क्या सुनी है क्या पढ़ी है क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनी है पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले ओ सोई तेरे जन पर उपकारी आए बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जन्म मरण दहो मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन सब हर स्यो लाइन मिलाए। सो सत्संगत आओ सारे जिथे जिथे भी आवाज पहुँचती है गुरु की संगतां पंडाल विच आ के सजन की कृपालता करो चुप दा दान बख्शिश करो। आओ सब तो पहला एक बेनती तुहाडे चरणों च करिए आओ रल मिल के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणों नाल बिरतियां जोड़ी आखो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गज बज के बोलिया करो भाई मुल नहीं लगता ये सतनाम श्री वाहेगुरु ने ही आपां पवजल संसार सागर तो तारन वास्ते मदद करनी है। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। सत्संगत हंकार जड़ा है तेरे जन पर उपकारी आए आप किसी एक विषय ते बोलीए काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज ने कहंदे इह चोर ने एक नगर नगरी पंज चोर वसी अले काम क्रोध लोभ मोह हंकार आ हंकार जड़ा है ये भी किस हद तक जदों सारियां हदां पार कर जांदा है हंकार नाम नाम जेड़ा है वो
इस संसार नूं जीवन नूं भवजल संसार सागर तो पार होण वास्ते सहाई हुंदा है। हंकार जिहड़ा उह डुबदा है। सो हंकार नूं मरन वास्ते किसी नूं कोई रोग लगदा है, उह रोग नूं हटाउण वास्ते कोई ना कोई दवाई हुंदी है। सो परमेश्वर दा नाम जिहड़ा नाम संसार रोगी नाम दारू दारू कहिंदे ने दवाई नूं। जिहड़ी दवाई है किसी जे कोई रोग बनिया नाल उहदी दवाई भी बनी है। मैं फिर एक गल करां सत्कारयोग संगत जी, जगह जगह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किसे धर्म चले जाओ किसे मिशन चले जाओ विषय सारियां दे उही ने, पहुँचना सारियां ने इको मंजिल ते है पर रस्ते वख वख ने। परमात्मा नाल सारे ही सांझ पाउंदे ने, परमात्मा नाल सांझ दी सारे गल करदे ने, पर साध संगत नाम जिहड़ा है वो तन दा विशा नहीं है, नाम जिहड़ा मन दा विशा है। संसार रोगी नाम दारू, असी संसारक लोग जिहड़े हैं सानू काम दा भी रोग है, क्रोध दा भी रोग है, ये अध्यात्मिक ने दुनियावी रोगों तो अलग ने जिहड़े परमात्मा तो विछोड़दे ने। ये रोग परमेश्वर नाल जोड़दे नहीं हन, साध संगत परमेश्वर नालों तोड़दे हन। सो जिहड़े इंसान निंदिया चुगली बखीली करदे ने गुरु दे प्यारियां दी, वो गुरु नालों तोड़दे ने। साध संगत तोड़न जिड्डा पाप कोई नहीं है, जोड़न जिड्डा पुन्न कोई नहीं। सो गुरु की संगत परमेश्वर दे दर ते हंकार वालियां लई कोई थां नहीं है। अज 17 जून है, हुण उस माता पिता दे घरे संत सरदार करतार सिंह जी, संत महाराज दे सत्कारयोग पिता सचखंड वासी सरदार करतार सिंह जी, माता इंद कौर दी कुख नूं सफला करदे होए नगर धमोट दे अंदर सतगुरां ने जन्म लिया। और यह शुभ लक्षण जड़े ने विरसे चों मिलिया करदे ने, धार्मिक व्यवस्था ये विरासती, यह विरासती खजाना हुंदा है। गुरसिखी वल नूं तुरना नाम दी प्रेरणा माता पिता तो शुरू हुंदी है। सब तो पहला गुरु इंसान दा माता है, उदों बाद पिता, फिर परमेश्वर जिहड़ा साध संगत तीजे नंबर ते आउंदा है। गल करदे सी अहंकार दी। महापुरश बचन सुनाया करदे, क्योंकि उन्हां महापुरशां दा पिंड संत महाराज दे पिंड दे कोले है। संत महाराज 111 बलवंत सिंह जी, संत बाबा बलवंत सिंह जी सिरसर सिहौड़े वाले, वो बचन सुनाया करदे अध्यात्मिक बचन किदां दा। हर हर रेत खंड में विखरी हस्ती चुनी न जाए, वो गुरबाणी दा कथन है, कबीर साहब दी बाणी है। परमेश्वर दा नाम रूपी खंड कहिंदे रेते विच खिंड गई, वह हाथी बन के नहीं खाधी जा सकती, हंकार नाल नहीं चुगी जा सकती। कहे कबीर गुर भली बुझाई, कबीर साहब कहिंदे भाई ये मेरे गुरु ने मेरे उस्ताद ने मैनूं सुते सिद्ध ये वस्तु नूं समझाउणा कीता, किवें चीटी होए कै खाए कीड़ी बन के, रेते च खंड खिंडी होवे साध संगत उन्हों नहीं अलग किया जा सकता। कीड़ी का मतलब हाथी नाम हंकार दा है, कीड़ी नाम निम्रता दा है। जिहड़ी वस्तु तुसी हंकार नाल प्राप्त नहीं कर सकते, जिवें नाम है ये मन दा विश है। हुण एक गिलास दे अंदर साध संगत जल है, पानी पाया होया है, उहदे च दुध किवें पै जाएगा। आसा दीवार दे अंदर साहब कहिंदे भाई वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास। पहलां तां वस्तु शुद्ध होवे, जिहड़ा भांडा है अंदर वस्तु शुद्ध होवे
भांडा वह भी वस्तु है, वो अंदर नाम रूपी वस्तु पानी है। फिर मन रूपी भांडा जड़ा हंकार दे नाल विशर विकारां दे नाल काम क्रोध लोह हंकार दे निंद्रा चुगली बखीली दुनियावी कुकर्मां दे नाल भरिया पे है, उत्थे नाम कितें टिक जूगा। जिवें वड्डे महाराज सुनाया करदे बचन संत महाराज ईसर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले सचखंड वासी कहिंदे भाई छीणी दा दुध जिहड़ा है वह सोने दे बर्तन विच ठहरदा वरना ठहरदा नहीं, बर्तन टुट जांदा है। सो इत्थे बचन महापुरशां दे ने, महापुरशां प्रथाए ने, शायद कोई गल दास दे मुखारबिन तो निकली होवे, किस हिरदे नाल दए जे उहदा पार उतारा कर जे। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। हुण जिहड़ा मन रूपी भांडा है विषय विकारां नाल भरिया पिया, उत्थे नाम रूपी वस्तु किवें ठहर जाएगी, निम्रता किवें आ जाएगी जिथे अहंकार भरिया पिया। पहला अहंकार कढ़ना पैना, फिर उस वस्तु नूं जिवें कह दईए मांजना पैना। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। भांडा कहिंदे मांज लो, पहलां धो लो, फिर उहनूं बैठ के सांभ के साफ करके फिर दूध दूध। कर्म फुरन सुरत फुन सुरत समायण होए नरास जमावो। दुध रूपी कर्म फिर कहिंदा इहो जिहे हिसाब नाल फिर उहदे च जो मर्जी वस्तु पा दो, जो वस्तु शुद्ध है। जदों मन मन शुद्ध है, मन जिहड़ा बिरती है, जदों तुहाडी बिरती शुद्ध है, सो सतसंगत उस बिरती नूं शुद्ध करन वास्ते नाम रूपी साबण दी लोड़ है। उहदे च फिर परमेश्वर रूपी राम उस भांडे दे विच इह नाम बाणी दा साबण जिहड़ा है साडे मने होए मैले होए मनां नूं साफ कर दिंदा है, धो दिंदा है, कुकर्मां तों दूर लै जांदा है, भाव शुभ कर्मां वल प्रेरित कर लैंदा है। सो इस तरह दीआं गल्लां ने जिहड़ियां, हंकार जिहड़ा उह परमेश्वर दे दर ते नहीं पाउंदा। सकत्तर साहब खड़े हो गए, टाइम हो गया, आपां हुण समाप्ति करदे आं। एक गल करके भी हर जी हंकार ना पावै बेद कूक सुनावै। बेद सारे साध संगत सिमरत बेद पका पुराण पकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल ही होछियां। परमेश्वर दे नाम तों बिना जिहड़ियां गल्लां ने थोथियां ने होछियां ने। सो साध संगत परमेश्वर दे नां दे उत्ते परमात्मा दे चरणां विच आए हैं। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ।
आओ सारे एक बारी फिर आपो अपनिया मनोवृत्तियां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों नाल जोड़दे होए भुलां चुकां की माफ़ी मंगते हुए आउंदा जांदा कुछ नहीं अनजाण बच्चा समझ के माफ़ कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरो पाओ की बख्शिश कर रहे हैं श्री मान संत बाबा जसपाल सिंह जी धालियां तो बोले सो निहाल। आओ बहुत ही प्यारियां हस्तियां ने इस स्टेज दे उत्ते पहुंचना है अते पहुंच चुकियां हैं। आप जी दे सन्मुख हो रहे हैं सरदार भगवान सिंह जी जौहल जो कि जिन्हां दीआं लिखतां गुरमत दे आधार दे उत्ते किन्नियां ही पुस्तकां छप चुकियां हैं। अखबारां दे विच जो धार्मिक पेज हुंदा है उस दे विच लगातार जिहड़े भी संत महापुरख की बरसी होवे इन्हां दी पवित्र कलम उस नूं उस दे उत्ते उकरदी है। सो आप जी दे सन्मुख हो रहे हैं सरदार भगवान सिंह जी जौहल 15 मिनट वास्ते आप जी नाल जो बहुत ही प्यारे प्रवचन इन्हां दे गुरमत दे सिद्धांत जिन्हां ने बहुत डूंघाई दे विच जा के विचारे हैं आप जी दे सन्मुख हो रहे हैं सरदार भगवान सिंह जी जौहल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरु जुग जुग अटल कलयुग के बोहित प्रगट ग्रंथी दे शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी ते पावन गोद में जुड़ी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ अदब ते सत्कार नाल गुरपति अर्ज कर रहे हैं जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की पावन गोद में बैठ के नाम रसीए परम पूजनीक आत्मा संत बाबा ब्रयाम सिंह जी रतवाड़ा वालियां दे दी सिमरती विच उन्हां दे जन्मदिन ते हाजरी भर रहे हो। मैं आप जी नूं एक बेनती करां जिनके हीरे बसो मेरा सतगुर ते संत भले पल पांत तिन देखे मेरा मन विकसै हो तिन के सद बल जात। जिन्हां दे हिरदे विच मेरा सच्चा प्रभु वसदा है जिन के हीरे बसो मेरा सतगुर वह संत ने वह नेक ने वह भले ने वह चंगे ने तिन देखै मेरा मन विकसै। उन्हां नूं वेख के मेरा मन विगास विच आ जांदा है चाओ विच आ जांदा है खुशी विच आ जांदा है आनंद विच आ जांदा है। हुण तिन के सद बल जात उन्हां दे बलिहारे जाना है उन्हां दे सदके जाना है। ये बचन सतगुरु जी दे ने जदों भी इस पावन स्थान ते आउण दा सुभाग मिलिया सत्कारत हस्तियां स्टेज ते बैठियां ने। मैं एक बेनती करां तुसी वेखोगे किसे दी भुख नूं अनुभव करना किसे दी प्यास नूं अनुभव करना किसे दे दुख नूं अनुभव करना सब तो कठिन काम है। किसे दी भुख नूं जानना किसे दी प्यास नूं जानना किसे दे दुख नूं जानना। तुसी अपना दुख सारे अनुभव करदे हो अपनी प्यास सारे अनुभव करदे हो अपनी भुख सारे अनुभव करते हो पर किसी के दूसरे की भुख नूं जानना केवल एक जे जान सकती है थोड़ा बहुत तो मां जान सकती है मेरा बच्चा भुखा है मेरा बच्चा प्यासा है। देखो जिस इलाके विच तुसी बैठे हो ना ये हस्पताल ये स्कूल ये कॉलेज की इन्हां स्कूलां कॉलेजां विच उस परम पूजनीक महान हस्ती संत बाबा ब्रयाम सिंह उन्होंने बच्चे पढ़ते ने किदे पढ़ते ने किदे दुख नूं अनुभव कीता
ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਲਈ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਸੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਕਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਫੇਥ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫੇਥ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਰਸੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਬੈਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਟੀਚਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੂਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ 72 ਵਿੱਚ, 72 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 10-12 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
फारसी अखरां विच उत्थे मूल मंत्र लिखिया होया। ते जदों उत्थे जाके ना जत्थे दे मैंबर बैठ गए, वो वेखदे ने ये मूल मंत्र इत्थे किवें आ गया। पाकिस्तान दे प्रेजिडेंट हाउस च बैठे हाँ, प्रेजिडेंट राष्ट्रपति हाउस च बैठे हाँ, मूल मंत्र इत्थे कित्थों आ गया। इत्थे ते कुरान शरीफ दीयां आयतां चाहीदियां सन, ये इत्थे मूल मंत्र किवें आ गया। सारे परेशान। ते राष्ट्रपति साहब कहिंदे भाई तुसीं चाह क्यों नहीं छकदे, कहिंदे जी अंदर लंघदी नहीं है। असीं सोचते हाँ कि गुरु नानक साहब का यह पावन मंत्र मूल मंत्र राष्ट्रपति भवन साहब किवें आ गया। जनरल अजूब खान पता की कहिंदे आ, राष्ट्रपति की कहिंदा, कहिंदा बहुतियां गल्लां नहीं किसी ने पुछी दियां, तुसीं चाह पानी छको बाद विच दसांगे। वह कहिंदे जी असीं चाह नहीं छकांगे, साडियां अखां नम हो गई कि गुरु नानक साहब की एडी बड़ी बख्शिश जे पाकिस्तान के प्रेजिडेंट हाउस कित्थों आ गई, साढ़े चाह नहीं लंघदी। राष्ट्रपति साहब ने भी अखां नम कर लिया, कहिंदे मैं वह जूबा है जिन्हों कदे पढ़ना नहीं सी आउंदा, पर उस ग्रंथी सिंह ने रसी हुई आत्मा ने मैनू बुकल विच लैके पुछया। तो जो मैं दसिया ना कि मेरा आ दुख है, वह कहिंदे तैनू एक मंत्र लिख के दिने है, तू इस मंत्र नू पढ़ी, जो पढ़ेगा सवेरे तेनू स्कूल पढ़ना भी आ जाएगा, एग्जाम चो भी पास हो जाएगा, तेनू टीचर भी कुछ नहीं आखणगे। ते कहिंदे मैं ओहो जूबा सी जिसने इतकाद नाल भरोसे नाल विश्वास नाल इस पावन मूल मंत्र नू जपया, उहदा सिट्टा की मिले निकलिया। मैं जिथे एग्जाम चो केवल पास ही नहीं होया, सारियां क्लासां चो पहली पोजिशन लैंदा रहा। मैं पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनिया, अज मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति इसे मूल मंत्र की बदौलत हाँ। मैं एक बेनती करा जी, मैं थानू नाल इस गल छोटी जी गल की सांझ पाई है ना, मेरा इस गल का सांझ पाउण तो भाव है कि जिन्हें विश्वास किया असीं सिख क्यों पछड़े हुए हैं, कि मूल मंत्र से सानू भरोसा नहीं है, कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी से विश्वास नहीं है, असी क्यों धक्के खा रहे हैं, क्यों सानू मार पै रही है। ते सत्कार जो वो सरसी हुई आत्मा परम पूजनी बाबा ब्रह्म सिंह जी होरां कोल की सी, केवल गुरु नानक की सिफ सलाह उन्होंने हिरदे विच बसी हुई सी, और उसे सिफ सलाह विचों जंगल विच मंगल बन गए। यह जंगल विच मंगल लगन का कारण की है कि उसे सिफ सलाह विचों, उसे वड्याई विचों, उसे उस्तद विचों, उसे शोभा विचों यह सारा कुछ प्राप्त कर रहा। तो संगत कैड़ी मिली, परम पूजन बाबा ईश्वर सिंह जी की संगत राणा साहब वाले की। गल तो केवल इन्नी है ना, उतम संगत उतम होवै गुण को धावै अवगुण धोवै। अवगुण धोते जंग जाते ने, मनुख गुणा वालू बदल लग जाता है, तो जो मनुख गुणा वालू बदल जाता है तो सतगुरु जी की जी बख्शिश है वह आप मुहारे होनी शुरू हो जाती है, आप मुहारे। मैं ये जी आप जी बेनती साझी की है ना चंद शब्दों, मैं एक छोटी जी बेनती होर आप जी कर लगा, बहुत छोटी जी बेनती। थोड़े विच बड़े पढ़े लिखे सज्जन बैठे ने, समाजिक राजनीतिक शख्सियत धर्मी शख्सियत बैठिया ने। एक साढ़े रशिया अंबैसडर रहे ने मिस्टर बीपी मैनन, साउथ इंडियन सन मिस्टर मैनन, IFS सन इंडियन फॉरन सर्विस के। उन्हों ना अज नव्याण नवी सिक्ख्या देने IAS PCS IFS इन्हों ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने ट्रेनिंग पर भेजा लंडन, कहते थोड़े दिन भी तुम ट्रेनिंग करके आओ, जो इंग्लिश आती है हिंदी वालों भी उन्होंने हथ तंग है, जो साउथ की अपनी भाषा आती है, बहुतिया भाषावान भी नहीं जानते। मिस्टर मैनन IFS ज्यादा अंग्रेजी की लड़ पैंती है, रहने विदेशों में है, साढ़े फॉरन सैकटरी भी रहे,
मिस्टर बीपी मैनन कहते जो मैं लंडन गया ना फ्लाइट लेट हो गई तो मैं अगले दिन जाके एग्जाम बैठना सी उस तो बाद मेरे सैमीनार की शुरुआत होनी सी सैमीनार की शुरुआत बाद होनी सी पहले मैं एग्जाम बैठना सी मिस्टर बीपी मैनन लिखते ने अपनी स्वै जीवनी विच वो कहते जो ना मैं एयरपोर्ट तो उतरिया तो एग्जाम कुछ मिनट रेंदे सन शुरू होण च मेरा मन किया जी गड्डी मैनू लैन आई एयरपोर्ट तो जो मैं जावगा ना रस्ते कोई मंदिर इंडियन मंदिर भारत का कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई गुरुद्वारा कुछ भी दिसे मैं उत्थे मत्था टेक के जाऊंगा तो जो साउथ हाल पुल के उत्ते आए तो उन्होंने वेख्या कि निशान साहब झुलदा उन्होंने वेख्या कि यह भी कोई हिंदुस्तान का ही धर्म है जोड़ा एडा बड़ा निशान साहब झुलदा पिया अंदर गए ग्रंथी सिंह जाके बेनती की मैं इंडिया तो आया मैं एग्जाम बैठना है मेरे लिए प्रेयर करो मेरे लिए अरदास करो मैं एग्जाम जा सका सिर्फ इन्नी गल कही